नमस्कार, आप देख रहे हैं एएसआर न्यूज इंडिया। मैं हूं कासिम रावत के साथ। आज है 7 अप्रैल। आइए जानते हैं बिहार की बड़ी खबरें क्या है। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप जिस भी जिले से हैं आप अपने जिले का नाम नीचे कमेंट कर दीजिए। आइए जानते हैं बिहार की बड़ी खबरें क्या है। बिहार में असहाय लोगों की मदद के लिए संपन्न परिवार आ रहे हैं सामने। एक तरफ कोरोना की जंग तो दूसरी तरफ भूख शांत करने की समस्या के चलते गरीब अब हिम्मत हारने लगे हैं। हर गांव में ऐसे गरीब परिवार हैं जिनका राशन कार्ड में नाम नहीं है। वैसे परिवारों पर अब दिन भारी पड़ने लगा है। इसको देखते हुए बक्सर जिला अंतर्गत पवनी पंचायत के पूर्व मुखिया राम भजन सिंह ने पहले गाँव के संपन्न लोगों के साथ चंदा वसूली किया। साथ ही वैसे परिवार जिनके राशन कार्ड में नाम नहीं है उन लोगों की सूची बनाई है। उसके बाद पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग से उन परिवारों को एक सप्ताह के लिए अनाज वितरण किया। उन्होंने बताया कि पंचायत के 127 असहाय एवं गरीब परिवारों के लिए 7 किलो चावल, आलू, दाल, सोयाबीन, नमक आदि को झोला में पैक करके वितरण किया गया हमारे द्वारा। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी स्थिति बनी रही तो हम आगे भी मदद जरूर करेंगे। राशन कार्ड आधार लिंक कराएं और 1000 रुपया पाएं। जी हाँ, कोरोना वायरस की जंग के दौरान लॉकडाउन की वजह से कई लोगों को परेशानी झेलना पड़ रहा है। ऐसे में आप अपने राशन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करके 1000 रुपया मदद पा सकते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार भी अपने स्तर पर लोगों को राहत पहुँचाने में काम कर रही है। इसी के चलते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने राज्य के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बड़ा ऐलान किया है। नीतीश कुमार ने फैसला लिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लॉकडाउन के दौरान सभी राशन कार्ड धारियों को डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 1000 रुपया प्रति परिवार मदद के रूप में दिया जाएगा। हालांकि इस लाभ को प्राप्त करने के लिए आधार सीडिंग अनिवार्य है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि डीबीटी ट्रांसफर की गति को तेज किया जा रहा है ताकि लाभार्थियों को कम से समय में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। और उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि जिन राशन कार्ड धारियों का आधार सीडिंग नहीं हो पाया है उनकी सीडिंग शीघ्र से शीघ्र कराई जाए और 1000 रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दे दिया है। कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है और इस दौरान किसानों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार ने फसल बीमा योजना PMFBY के तहत 1000 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया है। यह फंड केंद्र की ओर से विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को दिया गया है। लॉकडाउन के बीच देश के 4.91 करोड़ किसानों को मोदी सरकार ने राहत दी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 4.91 करोड़ किसानों के अकाउंट में 2000 रुपये भेज दिए हैं। इस योजना के तहत अब तक 62,000 करोड़ रुपये की से भी अधिक सहायता दे चुकी है सरकार। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करीब 9 करोड़ किसान रजिस्टर्ड हो चुके हैं, यानी इन लोगों ने सीधे अपने खाते में 1000 रुपया प्राप्त किया। 18,000 करोड़ रुपये की मदद मिल चुकी है सभी को। देश में करीब 14.5 करोड़ किसान है लेकिन इस स्कीम के तहत सभी का वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है। पीएम किसान योजना के तहत सालाना 6000 रुपये, 2000 रुपये के 3 किस्त मिलते हैं। आपको इस स्कीम के तहत पैसा ना मिले हो तो अपने लेखपाल कानून को जिला कृषि अधिकारी के से संपर्क कर सकते हैं। वहां से बात ना बने तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया 155261। तो साथ ही 1800111526 टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वहां से भी बात अगर ना बने तो दूसरे नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं 0112338 1092 पर भी आप बात कर सकते हैं। आप पीएम किसान पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यह सुविधा किसानों के लिए शुरू कर दी गई है। दूसरे चरण के आधार पर वेरिफिकेशन जरूरी है। यदि आपने इस स्कीम का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुका है तो अब तक बैंक अकाउंट में आपके पैसा नहीं आया तो आप पीएम किसान पोर्टल पर जाकर के अपना आधार, मोबाइल नंबर और बैंक नंबर दर्ज कराएं। अररिया के भलुआ नदी के पानी नहीं खोले जाने के कारण दर्जनों किसानों की सैकड़ों एकड़ की खेती लहलहाती मक्के की फसल सिंचाई के अभाव में झुलस कर बर्बाद हो रही है। दबंगों द्वारा भलुआ नदी को मनमाने ढंग से बांधने के कारण अररिया कुर्साकांटा प्रखंड के कई पंचायतों में त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है। इसी कारण सिंचाई अभाव में फसल झुलसकर बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गई है। वहीं मवेशी भी बूंद बूंद को तरस रहे हैं। इस समस्या से जूझ रहे अररिया प्रखंड के किस्मत खसमापुर पंचायत के दर्जनों पीड़ित किसानों व जनप्रतिनिधियों ने एक सप्ताह पूर्व ही जिलाधिकारी को सोशल मीडिया के जरिए लिखित शिकायत देकर के बांध खुलवाने को तथा पानी के नियमित बहाव को सुचारू रूप से चालू करने की मांग की थी। सरकार दे रही है फ्री में गैस सिलेंडर। देश में जारी कोरोना के संकट से सरकार हर स्तर पर निपटने के लिए कदम उठा रही है। मरीजों की पहचान कर उनके इलाज की व्यवस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार ने आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की है।
इसके साथ ही मोदी सरकार ने लॉकडाउन लागू होने के बाद ही आर्थिक तौर पर कमजोर तबके की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए 3 महीने में 3 मुफ्त LPG गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी। सरकार की इस घोषणा का लाभ उज्ज्वला योजना के स्कीम के लाभार्थियों को मिलेगा। बता दें कि सरकार ने 1,70,000 करोड़ रुपये का आर्थिक राहत पैकेज घोषित किया है। घरेलू गैस सिलेंडर PM गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे। 1 महीने में एक ही मुफ्त सिलेंडर मिलेगा। जिन लाभार्थियों के पास 5 किलो वजन वाले सिलेंडर है, सरकार उन्हें 3 महीने में कुल 8 सिलेंडर मुहैया कराएगी। यानी कि ऐसे लाभार्थियों को 1 महीने में सिलेंडर एक ही मिलेगा। अगली खबर मौसम विभाग को लेकर के है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बिहार में अप्रैल और मई में प्री मानसून का समय है। राज्य में 14 जून के आसपास मानसून की बारिश शुरू हो जाती है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया के अधिकांश महासागरों की सतह गर्म हो रही है। प्रशांत महासागर का तापमान भारत की जलवायु को प्रभावित कर रहा है। महासागरों की सतह जितनी ज़्यादा गर्म हो जाएगी, जलवायु से उतना ही ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। मुजफ्फरपुर महिला थाना की नई प्रभारी बनी नीरू कुमारी। महिला थाना के नए प्रभारी बनाए जाने के बाद पदभार ग्रहण करते हुए नीरू कुमारी ने लंबित कांडों के निष्पादन में अपने महिला थाना के पुलिस अधिकारियों के साथ एकजुट होकर के बैठक किया। इस दौरान महिला थाना प्रभारी नीरू कुमारी ने बताया कि बहुत जल्द सभी लंबित कांडों का निष्पादन किया जाएगा। कालाबाजारी के खिलाफ बिहार सरकार का बड़ा एक्शन, 50 PDS दुकान सील। कोरोना संकट को मुनाफा कमाने का अवसर समझने वालों को यह गुनाह भारी पड़ गया है। मुनाफाखोरों के खिलाफ बिहार सरकार ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। 50 PDS दुकान सील कर दिए गए हैं। सरकार की इस कार्रवाई को लेकर के जानकारी सामने आ रही है कि उसके मुताबिक जिन दुकानों को सील किया गया है, उन पर कालाबाजारी करने और तय समय पर राशन नहीं बांटने का आरोप था। खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि उन सभी दुकानों को सील कर लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि जो भी इस विकट परिस्थिति में अनाज की कालाबाजारी करेगा, उस पर विभागीय और कानूनी कार्रवाई साथ साथ की जाएगी। खाद्य सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि मोतिहारी में सबसे अधिक 17, मुजफ्फरपुर में 13, दरभंगा में बेतिया में 6 सरकारी राशन दुकानों को सील कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सभी जिलों के DM और SP को इन दुकानदारों पर कानूनी कार्रवाई का निर्देश भी दे दिया गया है। राशन वितरण को लेकर के अनियमितता को लेकर के लोग परेशान हैं। लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। नियमातबाद विकास खंड अंतर्गत भोजपुर रतनपुर गांव में बिना कार्ड के राशन लेने पहुंचे लोगों को राशन ना मिलने से नाराज होकर के लोगों ने प्रदर्शन किया। इस तरह स्किल डाउन ब्लॉक की कुम्हारी में राशन ना मिलने पर नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन किया गया। भोजपुर रतनपुर गांव में कटोदार ने 971 लोगों को ही राशन का वितरण किया है। इस बीच राशन कार्ड ना होने पर राशन लेने के पहुंचे लोगों को राशन नहीं दिया गया। बिना कार्ड और लाभार्थियों की सूची के नाम पर शामिल हुए ऐसे लोगों को राशन देने के लिए असमर्थता जताई गई। इससे नाराज होकर के लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। क्वारंटाइन सेंटर पर 2 पक्षों में मारपीट, केस दर्ज। मुन्ना प्रखंड के मेडिकल स्कूल गोंडरा परसोनिक में कोरोना वायरस को लेकर के बाहर से आए गांव लौटने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए बनाया गया क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों ने सोमवार को खाने के क्रम में आपस में मारपीट कर लिया है। किसी ने SDM को, SDPO को और थानाध्यक्ष को सूचना दी। आनंद फानन में प्रशासन की टीम क्वारंटाइन गोंडरा पहुंची और समझा बुझा कर शांत किया गया। गया में भूमिहार ब्राह्मणों का एकता मंच ने आशुतोष कुमार और मंच के अतिरिक्त विधानसभा क्षेत्र प्रभारी शैलेंद्र कुमार ने बताया कि जरूरतमंदों के बीच लगभग 35 लाख रुपए का सूखा राशन बांटा जा रहा है। जिले के मोहडा प्रखंड में आर्यू गांधीनगर रेलवा तासफीनगर पसिया मोहम्मदपुर किशनपुर सहित दर्जनों गाँव में सोमवार को मंच के कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ग्रामीणों के बीच में सूखा राशन का वितरण किया। शैलेंद्र कुमार ने बताया कि कोरोना महामारी से काफी गरीब मजदूर वर्ग के लोग परेशान हैं। इसके लिए वे अनाज के मोहताज हैं। इस प्रकार की समस्या की जानकारी कई माध्यमों से हमारे मंच तक प्राप्त हुई थी। इसके बाद मंच ने समाज के सभी वर्गों में जो गरीब भूखे पेट रहने के लिए मजबूर है, उन्हें चिन्हित कर मदद पहुंचाने का कार्य सोमवार से ही जारी कर दिया है। 200 क्विंटल चावल, 200 क्विंटल आटा, 20,000 बोतल खाद्य तेल, आलू, बिस्किट, साबुन सहित रोजमर्रा में यूज होने वाले सभी सामग्री का उपलब्ध मंच ने करवा करके लोगों के बीच बांटने का कार्य शुरू कर दिया है। बुकिंग काउंटर बंद, ऑनलाइन शुरू हुई टिकटों की बुकिंग। लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने के बाद तारीखों की बुकिंग IRCTC के वेबसाइट पर शुरू कर दी गई है। 15 अप्रैल और उसके बाद की बची सीटें पर यात्री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हालांकि अभी रेलवे द्वारा कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई, लेकिन टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग जमकर हो रही है। IRCTC ने लॉकडाउन की अवधि यानी 14 अप्रैल के बाद की तारीख की टिकट कैंसिल नहीं की थी। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद 21
दिनों का लॉकडाउन की घोषणा की गई थी और पूरे देश में रेल परिचालन को रोक दिया गया था। 14 अप्रैल को लॉकडाउन की अवधि समाप्त हो रही है, लेकिन इस बात की कमी है कि संभावना है कि पूरी तरह से सेवाएं बहाल ना हो पाए। लॉकडाउन में केंद्रीय विद्यालय ने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जारी किया दिशा निर्देश। केंद्रीय विद्यालय में विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा मिले, इसको लेकर के संगठन की ओर से दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि शिक्षक व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से विद्यार्थियों को अध्ययन की सामग्री भेजेंगे। किसी टॉपिक में यदि विद्यार्थी को दिक्कत होती है तो वे स्काई चैप और स्काई लाइव वेबसाइट के माध्यम से उसका समाधान करेंगे। साथ ही जिन विषयों में पढ़ाई नहीं हो सकी है उनका PPT तैयार कर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएं। लॉकडाउन में कोरोना संक्रमण की आशंका के बीच ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों को खतरे में देख पुलिस महकमे ने एहतियातन बरतते हुए अस्पताल में 30 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाने का फैसला लिया है। 30 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, ये जल्द ही उपलब्ध होगा। SSP उपेंद्र कुमार शर्मा पुलिस लाइन के पदाधिकारियों के साथ पुलिस अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि अस्पताल में 30 बेड है, आशंकित लोग के उपचार के लिए कमियां है, इन पर जल्द से जल्द दिशा निर्देश दे दिया गया है। बिहार के 5 पॉजिटिव मरीजों ने कोरोना को दी मात, आज अस्पताल से मिली छुट्टी। राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, 5 पॉजिटिव मरीजों ने कोरोना को मात दे दी है। 5 मरीजों को आज अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। कोरोना के नोडल पदाधिकारी ने अजय कुमार ने बताया कि NMSCH में भर्ती कराए 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को आज तीसरी बार जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दिया गया है। एक साथ 5 मरीजों को ठीक होने के बाद बिहार को कोरोना के खौफ से थोड़ी राहत जरूर मिली है। ये वीडियो आपको कैसा लगा होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।